37,148 नए मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 11,55,191 जा पहुंची है। इस दौरान 587 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 28,084 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में आज भी 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मामलों की संख्या 837 है, जो विश्व के बड़े देशों की तुलना में बहुत कम है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो कोरोना का आंकड़ा लगातार यहाँ पर भी बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने भी कई रणनीति बनाई है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में 21 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जिलाधिकारी ने सेक्टर स्कीम लागू कर दी है। कानपुर में बढ़ते कोरोना की रोकने के लिए 10 थाना क्षेत्रों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। गोरखपुर में 65 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज 20 सामने आए हैं। इनमें से 40 शहरी और 25 ग्रामीण इलाकों से हैं। जिले में कोविड-19 के कुल 589 एक्टिव मरीज सामने हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने N95 मास्क को कोरोना रोकने में फेल साबित कर दिया है और लोगों से N95 मास्क की जगह 3 लेयर मास्क लगाने की अपील की है। ये बड़ी खबर है, इस पर समझने की जरूरत है। N95 मास्क को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से फेल बता दिया गया है। अब आपको 3 लेयर मास्क लगाने की अपील की गई है। खबर इस वक्त आपको ये भी बता रही है। लेकिन इस बीच कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। सावधान, कोरोना कर देगा बेहाल। कोरोना से जो डर गया वो समझो बच गया। कोरोना रोकने में N95 मास्क फेल है। संक्रमण के मामले हर जगह पर लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट है और इस ट्वीट को समझिए। इसमें N95 जिस मास्क की पहले धूम मची हुई थी, हर कोई N95 मास्क की तरफ भाग रहा था। उसे लग रहा था यही वो मास्क है जिससे हम बच सकते हैं कोरोना से। लेकिन इस बीच ये खबर और ये ट्वीट बहुत कुछ बता रहा है कि इस मास्क को आपको नहीं लेना है। ये मास्क आपको नहीं बचा सकता है, संक्रमण को नहीं रोक सकता है। आपको 3 लेयर मास्क पहनना होगा। ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कही है, डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कही गई है। आपके सामने वो जो ट्वीट है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश के और मैं आपको बता दूं, छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा N95 मास्क कोरोना वायरस से के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए नए नियमों के विपरीत है। सभी से आग्रह है कि कपड़े से बने ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें और अन्य को इसके प्रति प्रोत्साहित भी करें। ये यानी कि आप समझिए जो फिल्टर वाला मास्क है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में फिल्टर वाले मास्क मिल रहे हैं जो मानक पे खरे नहीं उतरते हैं। और यही बहुत बड़ी वजह है कि इस मास्क को इस्तेमाल ना करने की बात कही जा रही है, हिदायत दी जा रही है और इसकी जगह पर ट्रिपल लेयर मास्क इस्तेमाल करने की बात स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ये N95 के जो डुप्लीकेट मास्क होते हैं वो मार्केट में आ गए हैं, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार और ज़्यादा हो गई है। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि अब आपको N95 मास्क इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ट्रिपल लेयर मास्क पहनना है, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कोरोना रोकने में N95 मास्क फेल है। लेकिन इस बीच ये भी भूलने की जरूरत नहीं है कि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता 4 जिलों से हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमें पल पल की अपडेट देंगे, ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर किस जिले में संक्रमण की रफ्तार क्या है, वहां पे इंतजामात किस तरह के किए गए हैं। क्योंकि एक स्थिति अब ये भी बनती जा रही है कि जो अस्पताल हैं वहां पे बेड नहीं है, वो फुल होते जा रहे हैं और मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये स्थिति भी पैदा हो रही है। बात राजधानी लखनऊ की करें या फिर बात कानपुर की करें या फिर किसी और ज़िले की, रफ्तार जिस तरह से कोरोना संक्रमण की बढ़ रही है उससे ये स्थिति भी पैदा हो रही है। सबसे पहले सीधे सारिका के पास चलते हैं जो कि कानपुर से हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, पिछले 24 घंटे में कानपुर में कोरोना ने किस तरह की रफ्तार पकड़ी है और इस बीच क्या जानकारी आपके पास बताएं। देखिए, कानपुर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर बात करी जाए तो रफ्तार की तो ये लगातार कई गुना बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर रोजाना 200 का आंकड़ा पार हो रहा है। आए दिन जो मरीज हैं वो नए नए एरिया से निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो 10 थाना क्षेत्र है उनको ब्लॉक कर दिया गया है, वहाँ पर पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है जिलाधिकारी द्वारा। उसके बावजूद भी लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं। आवाज हम तक आ रही है? सारिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सारिका, हम ये देख रहे हैं कि 10 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन आवाजाही वहां पे बहुत आसानी से देखी जा रही है, भीड़ भी देखी जा रही है सड़कों पर। आखिर ये 10 थाना क्षेत्रों के लॉकडाउन का मतलब क्या निकला, जब वहां पर आवाजाही भी है, वहां पे भीड़ भी नजर आ रही है, ये भी देखने को मिल रहा है? आप जी आरिश, आपकी आवाज आ रही है? जी सारिका, मेरे सवाल का जवाब दें। देखिए, कानपुर में जो 10 थाना क्षेत्र अनलॉक किए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा मरीज निकलकर बाहर आए थे और वहीं पर भी पुलिस की सख्ती भी है। अभी इस वक्त जहां पर मैं खड़ी हूं ये वीआईपी रोड है, हालांकि ये कंपनी बाग चौराहे से शुरू होता है, फूल बाग पर खत्म होता है। इस रोड में लगभग 10 जगह ऐसी चेकिंग करी जा रही है। जो क्षेत्र हैं लॉकडाउन वाले वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर लगातार उन क्षेत्रों से मरीज जो है कोरोना के निकल रहे हैं और यही वजह है कि उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। आपके पास आएंगे हमारे जयकृष्ण संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ में जयकृष्ण है, गोरखपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं और सोनू खान गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे संवाददाताओं की फौज भी इस वक्त हमारे साथ है जो इस वक्त हमें बताएगी कि लखनऊ हो, गाजियाबाद हो या फिर कानपुर हो, वहाँ पे आखिर ज़मीन पे क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पे इसका असर देखने को क्या मिल रहा है। और ख़ासकर हम जब लॉकडाउन की, क्योंकि अब कंटोनमेंट जो एरिए हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर जगहों पर, जैसे कानपुर में सारिका गुप्ता ने थोड़ी देर पहले बताया, 10 थाना क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भीड़ और आवाजाही भी देखने को मिल रही है। लोग इतने सजग भी नहीं हैं, कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल आम हो चला, आप आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, मंडियों में आप देख सकते हैं, सड़कों पर आप देख सकते हैं। फिलहाल जयकृष्ण इस वक्त हमारे साथ लखनऊ में है। जयकृष्ण, राजधानी लखनऊ का क्या हाल है, क्या स्थिति है, बताएं आप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों संक्रमित मरीजों का जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उनके आंकड़े में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के माथे पर चिकन है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लगातार राजधानी लखनऊ में जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो सैकड़े का आंकड़ा पार कर रहा है। मतलब जो पहले लॉकडाउन जब था तब जो कई गुना कम आंकड़ा था वो अब कहीं ना कहीं कई हद तक बढ़ता हुआ जा रहा है और ये राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अस्पतालों में बेड पर्याप्त है और बावजूद इसके होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा रही है, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में जो बेड की किल्लत है उससे कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के लोग जूझ रहे हैं और यही वजह है कि केजीएमयू में एक फोटो वायरल हो रही है केजीएमयू अस्पताल की, जहाँ पर जो लोग हैं वो कोरोना वार्ड में भर्ती होने के लिए लंबी चौड़ी लाइन में लगे हुए हैं और उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन लाख दावे कर रहा है की जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बेहद कम हुआ है या फिर उसमें लगातार नियंत्रण जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात की जाए तो सरकार के बयानों से बिल्कुल उलट हकीकत सामने आती है। और यही वजह है कि जो 50 से 72 व्यवस्था है वो राजधानी लखनऊ में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसी के साथ मैं तो यहाँ पर नोटिफाई करना चाहूंगा, जैसे कि जो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन है उन्होंने ये कहा है कि N95 कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो जिस 95 मास्क को बताया जा रहा था कि वो 95% तक कोरोना वायरस को रोक सकता है और उसको लेकर के इतनी मारामारी मार्केट में मची हुई थी, पौने पौने दामों पर इस मास्क की बिक्री की गई। हालांकि सरकार को यहाँ तक इस पर गाइडलाइन भी जारी करनी पड़ी कि मास्क कितने रुपए और सैनिटाइजर कितने रुपए का मिलेगा। अब वही केंद्रीय मंत्री अब ये बयान देते हैं कि ये मास्क कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और मास्क न लगाने पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने 49 करोड़ का राजस्व अब तक वसूला है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ऐसे में जब मास्क और कोरोना को रोकने में वो नाकाफी साबित हो रहा है तो लोग लगाएं या ना लगाएं, लोगों के अंदर ये भी एक धारणा बनती जा रही है। और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपने राजस्व की भरपाई करने में जुटा हुआ है। हालांकि उस राजस्व की भरपाई से जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। कोरोना मरीज ही नहीं, जो आमतौर पर अन्य बात में आऊंगा, मैं इस पे भी जानकारी जयकृष्ण आपसे लूंगा। स्थिति के बारे में आपने बताया, शासन प्रशासन एक तरफ बात कर रहा है कि अस्पताल में बेड हैं, लेकिन जयकृष्ण बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जमीनी स्तर पर लोग परेशान हैं। एक फोटो का भी जो वायरल हुई KGMU की, वो उस तस्वीर का भी जयकृष्ण ने जिक्र किया जहां पे एक लंबी कतार लगी हुई थी। ये वो लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव थे, जो वहां पर अपने आप को एडमिट करने के लिए आए थे। फिलहाल प्रवीण त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, गोरखपुर में क्या स्थिति है? पिछले 24 घंटे में कोरोना के किस तरह से मामले आ रहे हैं? जो कैंटोनमेंट एरिया है जो बन रहे हैं वहां पे किस तरह के इंतजाम, किस तरह के हिदायत की बात की जा रही है? बताएं प्रवीण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। प्रवीण, मुझे सुन पा रहे आप? हाँ सर, क्या जानकारी है गोरखपुर में किस तरह से संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है? देखिए, मैं जहां तक बात कोरोना की जाए तो कोरोना जो है गोरखपुर में पूरी तरीके से अपना पांव पसारता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना से शहर हो या गांव, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। अगर हम मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 65 ऐसे पेशेंट थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 40 ऐसे थे जो शहरी हैं और बाकी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के। तो मैं आपको बता दूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्र क्या शहरी क्षेत्र लगभग कोरोना अपने आगोश में पूरे गोरखपुर को ले चुका है। जी आरिफ। ठीक है प्रवीण, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल सीधे इस वक्त आपको लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के लिए 26 ब्लॉक उसमें समाहित हैं, 550 पंचायतें हैं। ये तो भूजल योजना में भारत सरकार ने चयनित किया है, लेकिन इसके अलावा भी आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अन्य जिले भी जितने भी हैं उनको सबको हम लोगों ने जल संचयन के दृष्टि से चुना है और समारोह काम प्रारंभ भी हो गए हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ, अभी थोड़ी देर में आप उनको भी देखेंगे। ये समापन समारोह है जिसमें तमाम लोग हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, क्योंकि अमूमन अब जो बैठकें होती हैं या समारोह होते हैं उसका मिजाज बदल चुका है, क्योंकि अब हर चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूजल सप्ताह समापन समारोह हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो जल का संकट है, जहां कहीं भी डार्क जोन में हम लोग चले गए उसको सेफ जोन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक घटना में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी वीडियो क्लिप तैयार की गई है, आपके मुख से इसको दिखाना सचेत कर सके, सुरक्षित कर सके, उसका उपयोग समय के रूप कर सके। उत्तर प्रदेश भारत का वो प्रथम राज्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। भूजल को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं देश के समस्त प्रधानों को पत्राचार के माध्यम से भूजल संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया। गत एक वर्ष में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कई साहसिक निर्णायक कदम उठाते हुए चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण के लिए पूरा रोडमैप तैयार किया गया। सभी जिलों के भीतर भूजल संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन हेतु अनेक कार्य किए गए। अटल भूजल योजना के अंतर्गत करीब 26 विकास मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिलकर साकार करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भूजल बचाने हेतु उत्तर प्रदेश में भूजल अधिनियम 2019 को पारित किया गया है। इसके अंतर्गत समर सीवर लगाने हेतु पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। वर्षा जल संरक्षण में तो भूजल समापन समारोह चल रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त कोरोना से डरना बहुत जरूरी है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू खान के पास सीधे चलते, काफी देर से सोनू खान गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए। सोनू, आपके पास क्या जानकारी है कोरोना संक्रमण को लेकर? गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण किस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है, उसके लिए प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? सोनू, जानकारी दें। देखिए, लगातार अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में भी एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस से जंग हारी है और टोटल अगर गाजियाबाद में अब तक अगर कोरोना वायरस से मौत की आंकड़ों की बात करें तो टोटल लोगों की गाजियाबाद में मौत हो चुकी है। अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें तो गाजियाबाद में 4,000 से ऊपर कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसमें से 3,000 के लगभग जो मरीज है वो घर कोरोना वायरस के जंजीर पर अपने घर गए। तो लगातार गाजियाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट भी है। लगातार जो कमेटियां बनाई जा रही है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन गाजियाबाद में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें तो गाजियाबाद में गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने एक सेक्टर जोन भी बनाया कि अलग अलग सेक्टरों में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है और इलाकों पर निगरानी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी गाजियाबाद में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं रुक रहा। जी, तो गाजियाबाद में भी संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन इस बीच सोनू खान मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम जगह से खबरें हैं, गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? वो लोग जो कोरोना से संक्रमण है लेकिन दूसरे लोग जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, किस तरह का उनका इलाज किया जा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, गाजियाबाद में जिला हॉस्पिटल गाजियाबाद में है, उसके अंदर जो कोरोना के जो टेस्ट हैं वहाँ पर किए जा रहे हैं। वहाँ पर आम जो लोग हैं, जो आम लोग दवाई के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अपने आ रहे हैं, वो भी लोग वहीं पर हैं। जो जिन लोगों के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं वो भी लोग वहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है वो एक बड़ी लापरवाही के यहाँ गाजियाबाद में कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी एक व्यक्ति उनमें कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आप समझ सकते हैं कि गाजियाबाद में जो कोरोना वायरस के आंकड़े हैं वो कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। गाजियाबाद में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम लगातार कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाजियाबाद में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं रुक रहा। तो गाजियाबाद संक्रमण नहीं रुक रहा है, हर जगह की तरह। आप सारिका हमारे साथ इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सारिका, ये बताएं कि कानपुर में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी? जल्दी से देखिए, कानपुर में अवेयरनेस काफी हद तक फैलाई जा रही है। जिला अधिकारी हैं, जो मेयर शिमला पांडे हैं या फिर सीएमओ हैं, उन लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी गई है, सभी चौराहे पर सुनाई जा रही है। उसके अलावा जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि वो सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं जहाँ पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। संवाद करें, केवल मुख्यमंत्री जी का करें, बाकी संवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिसने प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में भूज स्तर धीरे धीरे गिर रहा है और कहीं कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जा रहा है। हम अगर इसमें ध्यान से देखें तो जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूजल पर्याप्त है, परंतु इन क्षेत्रों में इरिगेशन एफिशिएंसी, वाटर लॉगिंग और कुछ हिस्सों में बाढ़ आता रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर जिले के कुछ हिस्से और चंदौली में अच्छी बरसात होती है, लेकिन वहाँ की जो जियो हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस की संरचना भूजल भंडारण नहीं कर पाती है। और ऐसी दशा करीब बुंदेलखंड रीजन का भी है। कुछ उपाय हैं जैसे कि लार्ज डायमीटर वेल्स को बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भूजल सिंचाई की जहाँ व्यवस्था है वहाँ पाइप से होने चाहिए तथा एक जो देखने में मिलती है कि जो डाटा बेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है इसको एक विलेज लेवल पे बनाया जाना चाहिए। हम डिमांड मैनेजमेट थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें तो पानी का यूटिलाइजेशन सही मार्ग हो सकता है। अगर हम अपने प्रदेश की क्रॉप की स्थिति के बारे में देखें तो फूड सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश में 3 मुख्य जो फसल है धान, गेहूं और गन्ना, इन तीनों क्रॉप में लगभग 178 लाख हेक्टेयर की खेती होती है। और अगर हमारे सभी लोगों का फोकस भी इसी क्रॉप को करना चाहिए कि क्या कौन से तरीके हो, कौन से ऐसी मृदा लाठी हो जिससे कि हम पानी को बचा सके। इस अगर हम धान की बात करें तो धान में आजकल बहुत सारे नए तरीके आए हैं जैसे एसआर मेथड, आरटीएसआर, डायरेक्ट फीड सोइंग मेथड, पैडिंग और फिश कल्चर और नई वैरायटी जो 60% की है और इसी तरह से ग्रीन मैन्योरिंग। अगर इन चीजों को हम करते हैं तो पानी की बचत करीब 40% होती है और साथ ही साथ लगभग 46% उत्पादकता बढ़ती है और 23% फसल की लागत भी कम आती है। अगर हम गन्ना की बात करें महोदय, हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे करीब 72% एरिया जो गन्ने की खेती करते हैं वह किसान ड्रिप मेथड से करते हैं, अगर टपका स्ट्रेच से करते हैं और इससे कई फायदे हैं। करीब 65% पानी की बचत होती है, 33% उत्पादन बढ़ता है और उर्वरक की बचत 25% होती है। साथ ही साथ इस विधि से सिंचाई करने से उसका जो मिठास है, जो शर्करा है गन्ना में, वो भी बढ़ जाता है। अर्थात हमें ध्यान देना होगा कि हमारे प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है तो क्यों नहीं कम से कम एक पॉलिसी के रूप में, एक नीति के रूप में कम से कम 40 से 50% एरिया हम ड्रिप इरिगेशन के रूप में लेके आए। इसी तरह से हम जब गेहूं की बात करते हैं तो आज हमारे पास हमारे विश्वविद्यालय द्वारा भी और प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय द्वारा भी कई ऐसी वेराइटीज है, अवेलेबल है जहाँ पे एक पानी से और 2 पानी से ही हम गेहूं का उत्पादन और उत्पादन में काफी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इन सभी फसलों एवं तौर तरीके के अलावा हमें आत्मनिर्भर कृषि के हर क्षेत्र में होना पड़ेगा। इसलिए हम जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, इस समय में हमें इंडिजिनस क्रॉप, हमारे जो कृषि क्रॉप्स है और लेस वाटर रिक्वायरमेंट है, तो जैसे मोटे अनाज है जैसे सावा हुआ, कोदो, रागी, बाजरा, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये ऐसे फसल हैं जो कुपोषण को दूर करने में भी उपयोगी है। हमें इन फसलों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इन्हीं सब तौर तरीकों के अलावा वर्षा जल का जो प्रबंधन है खेत से ही शुरू करना पड़ेगा। ऐसे में जो खेतों का आकार जहाँ बड़ा बड़ा हो उनको हम छोटा करके मेड़बंदी कर दें और जल विकास का निर्माण करें। इसी तरह से पेड़ों का अगर हम पेड़ लगाए और जगह जगह खेत, तालाब या नालों में चेक डैम बनाकर डॉक्टर सिंह आपके डिमांड साइड इंटरवेंशन और सप्लाई साइड इंटरवेंशन दोनों ही बहुत ही रुचकर थे और बहुत ही अच्छा रहा। मैं रियाज सिंह जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करें, आपने विषय रख दिया। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ बात करना चाहते हो, आप बात करें। जी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम बहुत तेजी से हमारे सरकार के लोगों ने काफी अच्छा काम कर संचयन के ऊपर और जल उपयोग पर काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारा जो विश्वविद्यालय है और एक रिसर्च हैदराबाद है, हम दोनों लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं जो फतेहपुर और कानपुर देहात काम करेंगे, जो उसका इम्पैक्ट होगा, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा उस प्रोजेक्ट से। करीब 16,000 हेक्टेयर एरिया और 5,000 हाउस होल्ड और 11 गाँव, और इस परियोजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 5 मिलियन क्यूबिक मीटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को अगर एक फाइनल रूप दिया जाए, अगर आपके माध्यम से अगर हो सके हमें परमिशन दिया जाए तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस तरह आपने श्रमिक आयोग गठित कर उत्तर प्रदेश को देश का पहला राज्य बनाया है, उसी तरह हम सभी प्रदेशवासियों को यह उम्मीद है कि प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आपके नेतृत्व में तो भूजल को लेकर एक अहम बैठक इस वक्त चल रही। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। All India ISE Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomtinagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102050। Mount Litera Zee School for now, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litera Zee School for now। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के #1 न्यूज नेटवर्क का #1 न्यूज बुलेटिन। You stop 9 रोज सुबह 7 बजे।